Hello everyone, this video is a sample recording from our live streaming classes for GATE and UGC NET. If you want to enroll for the live classes for GATE or UGC NET, please call us on the numbers that is given in this video, or you can also visit our website, which is www.digimentor.com. These live streaming classes are complete comprehensive courses, which is having full thorough coverage of all the previous year question papers as well as the course content for the exam preparation. All the best. Please enjoy the video. Everyone, please join the session. Okay. आप सबको एक पीपीटी मिला होगा व्हाट्सएप ग्रुप में. आज हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हमारा चैप्टर फिनिश होने के बाद. ये हमने गेट के क्वेश्चंस लिए हैं जनरली. मुझे नेट के बारे में थोड़ा अवेयरनेस पता नहीं था कि आपका नेट सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, तो जो नेट के टॉपिक्स हैं वो भी हम साथ साथ कवर करेंगे. ओके, जो नेट के टॉपिक्स, नेट सिलेबस के टॉपिक जो बच जाते हैं हम उनको भी साथ में कवर करेंगे. पहले हम जो जनरल टॉपिक्स हैं जो आपके कॉमन हैं गेट और नेट सबके लिए, उनको हम साथ साथ पहले कवर करते हैं, फिर जो नेट टॉपिक्स आपके रिमेनिंग हैं चैप्टर में उनको हम बाद में कर लेंगे. मीन्स इस चैप्टर के फिनिश के बाद ही कंटिन्यूसली उन टॉपिक्स को कवर करेंगे. ओके, तो लास्ट क्लास तक में हमने कंप्लीट किया था अप टू राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. हम पढ़ रहे थे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, तो हमने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग तक फिनिश कर लिया था. वहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए. टिल राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क. यस यस दीक्षा, आज हम फोर्क की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, वहां पे आपको फोर्क के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा. हाँ जी, एनी अदर डाउट रिलेटेड टू एनी टॉपिक? ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, दैट इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. Our topic is priority scheduling. Priority scheduling. देखिए नाम से पता चल रहा है priority. What is priority? हमने बात की थी priority के लिए कि priority आपका एक number होता है. It is just an integer number assigned to every process by the operating system. By the operating system. और आपका priority है वो define करता है आपकी उस process की importance. उस प्रोसेस की इम्पोर्टेंस कि वो प्रोसेस कितनी इम्पोर्टेंट है, उसको पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए या बाद में एग्जीक्यूट करना चाहिए हमारे एग्जीक्यूशन रनिंग स्टेट में. तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हमारे पास होगा प्रायोरिटी. प्रायोरिटी इज जस्ट एन इंटीग्रल नंबर विच डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन. इट इज असाइंड बाय द ओएस टू एवरी प्रोसेस, टू एवरी प्रोसेस. ओके, सेकेंड थिंग, प्रायोरिटी हमारी दो टाइप की होती है जनरली. प्रायोरिटी, प्रायोरिटी हमारे पास स्टैटिक प्रायोरिटी होती है, सेकेंड इज डायनामिक टाइप प्रायोरिटी. डायनामिक प्रायोरिटी, स्टैटिक प्रायोरिटी इज डज नॉट चेंज इन द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोसेस. स्टैटिक जो प्रायोरिटी हमारे पास होगी ये आपकी आपकी प्रोसेस जब तक सिस्टम में रहेगी, जब तक आपकी प्रोसेस सिस्टम में रहेगी उसकी प्रायोरिटी स्टैटिक रहेगी. मतलब आपकी प्रोसेस की प्रायोरिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी. लेकिन डायनामिक में क्या होगा, आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टाइम. अगर आपकी प्रायोरिटी का स्टार्वेशन में चली गई है, उसका टाइम वेटिंग टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो ओएस एक आपका ओएस रन करता रहेगा एजिंग एल्गोरिथम, एजिंग सॉल्यूशन, जिसकी वजह से हमारी प्रायोरिटी है वो प्रोसेस की चेंज हो जाएगी. ठीक है, इसमें क्या होगा, डज नॉट चेंज, प्रायोरिटी डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज इन एंटायर लाइफ ऑफ प्रोसेस, एंटायर लाइफ ऑफ प्रोसेस, बट प्रायोरिटी चेंज, प्रायोरिटी चेंज, आपके प्रोसेस की प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी. और चेंज हम क्यों करते हैं,
इसका कारण क्या है कि जिनकी प्रायोरिटी हाई है सिर्फ वही प्रोसेस एग्जीक्यूट होती रहेंगी, जिनकी प्रायोरिटी लो है उन प्रोसेसेस को तो हमेशा वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी प्रोसेस जिसको लो प्रायोरिटी प्रोसेस को यदि सीपीयू मिल भी जाता है एग्जीक्यूशन के लिए और फिर से रेडी क्यू में यदि कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई तो प्रीमिशन अक्कर होगा, लो प्रायोरिटी को फिर से रेडी क्यू में वापस जाना पड़ेगा और वो हाई प्रायोरिटी जो रेडी क्यू में थी उसको सीपीयू मिल जाएगा। तो उसके कारण क्या है, जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको तो हमेशा वेट करना पड़ता रहता है, उसको तो चांस बहुत कम मिलता है सीपीयू पे एग्जीक्यूट करने का। तो उसके इसको बोलते हैं स्टारवेशन प्रोसेस, मींस लॉन्गेस्ट वेटिंग। और स्टारवेशन प्रॉब्लम के कारण आपकी प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी प्रोसेस है वो वेटिंग में रहेगी हमेशा, उसको सीपीयू के लिए वेट करना पड़ेगा। तो हम यूज करते हैं स्टारवेशन के लिए स्टारवेशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एजिंग। एजिंग मीन्स कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स ऐड करते जाएंगे प्रायोरिटी में आपकी लो प्रायोरिटी प्रोसेस में, जिसके कारण उसकी प्रायोरिटी है वो कुछ लेवल तक इंक्रीज हो जाए और उसको एग्जीक्यूट करने का चांस मिले, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हम दो टाइप से करते हैं। इसका क्राइटेरिया रहता है आपका, आवर क्राइटेरिया इज प्रायोरिटी नंबर एंड मोड इज बोथ। It is also in non-primitive mode as well as in the primitive mode. हाँ जी, non-primitive का हमने डायग्राम बनाया था, आपको पता होगा कि आपकी वही प्रोसेस को यदि एक बार सीपीयू मिल गया तो वो कंप्लीट होने के बाद ही सीपीयू से एग्जीक्यूट करेगी, सीपीयू से एग्जिट करेगी। और primitive में क्या होता है कि आपका प्रिम्पशन अक्कर हो जाता है यदि आपकी कोई भी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाती है as compared to the process running in the CPU, तो डिस्कस करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रायोरिटी। क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस नंबर, इट्स अराइवल टाइम एंड इट्स बस्ट टाइम। प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, P3, P4 and P5. I will write here. Arrival time is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4. We have process number 6 also. Bus time is 4 unit, 5 unit, 1 unit, 2 unit, 3 unit and 6 unit. And here is the priority. Priority of P1 is 4. Priority of P2 is 5, 7, 2, 1 and 6. Okay. Here. यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें थोड़ा सा मैं कंसेप्ट को चेंज करके आपको करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। जनरली हम क्या करते हैं, जो लोअर नंबर होता है, लोवेस्ट इंटीजर नंबर होता है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं और जो हाईएस्ट इंटीजर नंबर होता है उसको लोवेस्ट प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन यहाँ मैं क्वेश्चन को पहले चेंज करके आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं लोवेस्ट नंबर को दे रहा हूँ सबसे लो प्रायोरिटी और हाईएस्ट नंबर को प्रोवाइड कर रहा हूँ सबसे हाई प्रायोरिटी। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके हम करेंगे पहले, फिर जनरली जो होता है उसके टाइप से देखेंगे। देखिए, आपके पास अराइवल टाइम है, हमने क्या डिस्कस किया था कि हम प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए क्या यूज करेंगे, गैंट चार्ट। प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए हम यूज करेंगे गैंट चार्ट एज वेल एज हम मेंटेन करेंगे हमारा रेडी क्यू। गैंट चार्ट स्टार्ट विद द जीरो एंड द प्रोसेस विच हैव अराइवल टाइम फर्स्ट will get the chance to execute in the CPU. First of all, at zero, our process P1 in the ready queue. Process P1 in the ready queue, okay? And P1 priority is 4. But only P1 in the ready queue, we will go for P1. We are doing question in the non-primitive mode. ये question आपका पहले non-primitive mode में है। P1 को चांस मिला, P1 एग्जीक्यूट करेगा, कितने यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेगा, 4 यूनिट के लिए। P1 ने एग्जीक्यूट किया,
जब P1 का एग्जीक्यूशन हो रहा था उस टाइम पे P2 वन यूनिट ऑफ टाइम पे P2 आपके रेडी क्यू में एंट्री करता है, टू यूनिट ऑफ टाइम पे P3, टू यूनिट ऑफ टाइम पे P3 रेडी क्यू में एंट्री करता है, नेक्स्ट थ्री यूनिट ऑफ टाइम पे, थ्री यूनिट ऑफ टाइम पे P4 एंड फोर यूनिट ऑफ टाइम पे हमारा P5 भी एंट्री कर जाता है। अभी हमारे पास जब प्रोसेस वन कंप्लीट होती है, जब तक आपकी P1, P2, P3, P4, P5 चारों प्रोसेस, पांचों प्रोसेस आपकी रेडी क्यू में आ गई हैं, तो P1 कंप्लीट हो गया, P1 कंप्लीटेड, कितनी प्रोसेस है हमारे पास रेडी क्यू में, चार प्रोसेस P2, P3, P4, P5। चेक कीजिए किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। प्रायोरिटी हाई मीन्स कि किसके नंबर सबसे हाई इंटीग्रल नंबर है, P2, P3, P4 एंड P5। अगर हम इन चारों प्रोसेस में चेक करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, P3 की प्रायोरिटी सबसे हाई है। तो P3 को हम यहाँ पे शेड्यूल करेंगे, P3 को शेड्यूल करेंगे, P3 एग्जीक्यूट होगा वन यूनिट ऑफ टाइम के लिए, फाइव पे P3 कंप्लीट हो जाएगा। और ड्यूरिंग P3 एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग P3 एग्जीक्यूशन आवर P6 ऑल्सो एंटर्ड इन द एट फाइव यूनिट ऑफ टाइम, P6 also entered into the ready queue. Our P3 is completed. How many processes are in the ready queue now? P2, P4, P5 and P6. चार प्रोसेस हमारे पास रेडी क्यू में है। चेक कीजिए इन चारों में आपकी कौन सी प्रोसेस है, किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। अगर हम जनरली चेक करें तो आपको चेक करना है प्रायोरिटी मीन्स हाइएस्ट नंबर, प्रायोरिटी मीन्स हाइएस्ट नंबर। P2, P4, P5 and P6. P2 priority is 5 but P6 priority is 6. P6 have high priority among all the four process in the ready queue. Now go for P6. P6 allocate CPU to P6 for 6 unit of time. At 11 P6 is also completed. At 11 P6 also completed. How many process? P2, P4 and P5. Which one have high priority? P2 have high priority. Schedule P2 for 5 unit of time, it is 6, it is 6. P2 also completed. Now P4 and P5, P4 have high priority than P5, P4 have high priority than P5. P4 will execute for 2 unit of time up to 18. P4 also completed. Only P5 is left in the ready queue. So allocate CPU to P5 and P5 will allocate for for 3 units of time, 3 unit of time, and it is complete at 21. It is complete at 21. All the processes are completed. Now please write the completion time of all processes. Maintain the completion time of all processes. Okay. Side mein idhar kar dete hain. Now write the completion time, completion time of process P1, completion time of process P1. P1 is completed at what time? P1 complete here, P1, P2 completes here, P3 complete here, P4, P5 and P6. P6, P1 complete at 4 unit of time, P2 complete at 16 unit of time, P3 complete at 5 unit of time, P4 18, P5 21 and P6 at 11 unit of time. Completion time हमें मिल गया, हम क्या find out कर सकते हैं? Turnaround time, find out turnaround time. Formula for turnaround time is completion time minus arrival time. Completion time minus arrival time. 4 minus 0, 4. 16 minus 1 is 15. 5 minus 2, 3. 18 minus 3, 15. 21 minus 4, 16. 11 minus 5, 6. हमारे पास turnaround time भी आ गया. Next, find out the waiting time of each process, waiting time of each process. Now waiting time formula is turnaround time minus bus time. Turnaround time is 4,
bus time is also 4. 4 minus 4 is 0. 15 minus 5, waiting time of P2 is 10 units. 3 minus 1, waiting time of P3 is 2 units. P4, 15 minus 2, 13. Waiting time of P4 is 13 units. 16 minus 3, 13. Waiting time of P5 is also 13 units. And waiting time of 6 is 6 minus 6 is 0. तो आपके पास turnaround time भी आ गया as well as turnaround time भी आपके पास है as well as आपके पास है waiting time. तो अभी आपको find out कर देना है average. अभी आपको find out करना है average. Average waiting time find out कीजिए. Average waiting time means summation sum of your all the waiting times plus sum of your waiting time divided by number of processes. Average turnaround time find out कीजिए and average waiting time find out कीजिए. हाँ जी find out कीजिए please. It's 14. हाँ जी कितना आया आपका average turnaround time sum कीजिए आपका आएगा 60 by 6. You will get 10 is the average waiting average turnaround time. 60 by 6 average turnaround time is 10 units and your average waiting time is sum kijiye 10 plus 2 12 12 plus 13 25 25 plus 14 is 39 39 by 6 6 6 ja 39 6 6 ja 36 plus 6.5 6 5 ja 30. Now this is the average waiting time as well as average turnaround time for your processes. Okay, तो ये था हमारा हमारे पास नॉन प्रिमटिव मोड पे. नॉन प्रिमटिव मोड में एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसी के बेस पे. किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस नंबर एंड बस टाइम. And bus time. We have 5 processes P1, P2, P3, P4 and P5. Bus time is 10, 1, 2, 1, 6. 10, 1, 2, 1 and 6. 6. And priority. यहाँ पे हमने priority change कर दी है. Priority change क्या किया? पिछले question में मैंने highest integer को highest priority दी थी. लेकिन यहां मैंने प्रायोरिटी को चेंज कर दिया है. आपका जो लोवेस्ट नंबर है अब हम उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे. ठीक है 3, 1, 3, 4 and 2. नॉन प्रिमटिव मोड सेम. नॉन प्रिमटिव मोड एंड ऑल द प्रोसेस आर arrive at time t equal to 0. सभी प्रोसेस आपकी t equal to 0 टाइम पे arrive होती हैं. सेम टाइम पे सभी प्रोसेस आपकी रेडी क्यू में arrive हुई हैं. चलिए जैसा मैंने आपको बताया अब की बार क्वेश्चन में चेंज है. आपका जो लोएस्ट नंबर है उसको हम दे रहे हैं आपकी बार हाई प्रायोरिटी और जो हाईएस्ट नंबर है उसको हमने दी है आपकी बार लो प्रायोरिटी. ओके तो सेम एस्टीज. सबसे पहले गैंट चार्ट को मेंटेन कीजिए. गैंट चार्ट को हम मेंटेन करेंगे एंड रेडी क्यू को मेंटेन करेंगे. रेडी क्यू में अब की बार सभी प्रोसेस सेम टाइम टी इक्वल टू जीरो पे अराइव होती हैं. तो आपकी P1, P2, P3, P4 एंड P5 सभी प्रोसेसेस अब रेडी क्यू में प्रेजेंट हैं एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे. एट टाइम इक्वल टू जीरो पे All processes are in the ready queue. All process. Okay. अभी आपको चेक क्या करना है? सबसे पहले चेक कीजिए आपकी दो सबसे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कौन है. सबसे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कौन है? P2. तो शेड्यूल कीजिए P2 को. P2 रन करेगी आपकी 1 unit ऑफ टाइम के लिए. P2 रन करेगी 1 unit ऑफ टाइम के लिए और P2 हो गई आपकी अब की बार कंप्लीट.
P2 is completed. Now P1, P3, P4 and P5. Next high priority process is P5. So schedule kar dijiye P5 ko. P5 will execute for 6 unit of time. Okay, it is 7. 7. P5 also completed. P1, P3 and P4. Three processes are in the ready queue. But P1 and P3 have the same priority. If all the processes having same priority or equal priority, then our execution priority scheduling will go to for the first come first serve scheduling. If the priority of the processes are same, then priority scheduling works similar to first come first serve. Note डाल लीजिए. If process is having same priority, then priority scheduling, works similar to first come first serve. Okay. और first come first serve में क्या चेक करते हैं हम arrival time. Which one have low arrival time, that process is scheduled. But यहाँ पे हमने arrival time भी सभी processes का same लिया है. यहाँ पे तो arrival time भी same है. अब हम क्या करेंगे? Now जब आपके पास arrival time भी same हो, तब आप क्या करेंगे? हमने चेक किया था, अगर प्रोसेसेस का अराइवल टाइम सेम हो जाता था तो हम चेक करते थे कि किस प्रोसेस का प्रोसेस नंबर कम है, उस प्रोसेस को हम शेड्यूल करेंगे. जिसका अराइवल टाइम भी सेम है तो हम चेक करेंगे कि आपकी कौन सी प्रोसेस है जिसका नंबर कम है, दैट इज P1 और P3 में से किसका प्रोसेस नंबर लेस है. P1 हैव लेस प्रोसेस नंबर, देन वी विल गो फॉर P1. तो हम शेड्यूल करेंगे P1 को. P1 विल गो फॉर 10 यूनिट्स ऑफ टाइम, इट इज 17. P1 विल गो फॉर लेस यूनिट ऑफ 10 यूनिट ऑफ टाइम, इट इज 17. P1 कंप्लीट. वी हैव P3 एंड P4. P3 हैव लो प्रायोरिटी, वी गो फॉर P3. P3 विल एग्जीक्यूट फॉर 2 यूनिट ऑफ टाइम, 19. P3 कंप्लीट. Only P4 in the ready queue. Okay. P4 will go for 1 unit of time, that is 20. Now P4 also complete. देखिए, सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन में चेंज क्या किया हमने, कि जिसका प्रायोरिटी नंबर लो है, इंटीजर नंबर लो है, उसको हमने हाई प्रायोरिटी प्रोवाइड की. जिसका नंबर हाई है उसको हमने लो प्रायोरिटी दिया. ओके, उसको हमने क्या दिया, लोएस्ट प्रायोरिटी प्रोवाइड की. नाउ P1, P2, P3, P4, P5 हमारे पास 5 प्रोसेस हैं और यहां हमने P1 और P3 को सेम प्रायोरिटी दी है. बस टाइम आपका डिफरेंट है, बट आपकी सभी प्रोसेसेस टाइम इक्वल टू 0 पे रेडी क्यू में अराइव हो जाती हैं. मींस आपकी प्रोसेसेस का अराइवल टाइम सेम है सभी का. तो हम चेक करेंगे रेडी क्यू में पांचों प्रोसेस प्रेजेंट है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसके पास है. हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 किसके पास है, P2 के पास. तो सबसे पहले शेड्यूल हो जाएगी आपकी P2. P2 एग्जीक्यूट करेगी 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए. अभी P2 कंप्लीट होने के बाद हमारे पास P1, P3, P4 एंड P5 चार प्रोसेसेस हैं. नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी इज P5, तो एग्जीक्यूट होगी P5. P5 एग्जीक्यूट करेगी आपकी 6 यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए. उसके बाद आपकी P3 एंड P4 तीन प्रोसेसेस आपके पास हैं, बट
P1 and P3 have similar priority, same priority. और जब हमारे पास सेम प्रायोरिटी हो किसी दो प्रोसेस की, तो आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है वो FCFS चेंज हो जाता है. किसकी तरह काम करता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में. और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमारे पास क्राइटेरिया क्या होता था? दैट इज अराइवल टाइम. कि जिसका अराइवल टाइम कम है उसको हम पहले शेड्यूल कर देते थे कि पहले आइए और पहले पाइए. तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आप रन करते थे अराइवल टाइम के बेस पे. लेकिन यहाँ पे तो हमारा अराइवल टाइम भी सेम है. यहाँ पे क्या है आपका? अराइवल टाइम भी सेम है. और अराइवल टाइम भी सेम होता था तो हम उस प्रोसेस को शेड्यूल करते थे जिसका प्रोसेस नंबर कम होता है. तो यहाँ पे P1 का प्रोसेस नंबर कम है एज कम्पेयर टू P3. तो आपकी शेड्यूल कौन होगी? P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी. P1 प्रोसेस 10 यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए CPU में एग्जीक्यूट करेगी. P1 के बाद हमारे पास P3 एंड P4 ओनली दो प्रोसेस रेडी क्यू में बच जाती हैं. P3 हैव हाईएस्ट प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू P4, तो हम P3 को शेड्यूल करेंगे और P3 आपकी 2 यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगी. आफ्टर P3 कंप्लीट एग्जीक्यूशन वी हैव ओनली P4 इन द रेडी क्यू. ओनली P4 इन द रेडी क्यू. नेक्स्ट P4 विल एग्जीक्यूट फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम. 1 यूनिट ऑफ टाइम. नाउ योर रेडी क्यू इज एम्प्टी. ऑल द प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू आर एग्जीक्यूटेड एंड टर्मिनेटेड. नाउ चेक द कंप्लीशन टाइम. Now check the completion time. Completion time, turnaround time and waiting time. Turnaround time and waiting time. Completion time of P1 is 17. Completion time of P2 is 1. P3 is 19. P4 is 20. And P5 is 7. Find out turnaround time. Turnaround time is completion time minus arrival time. 17 minus 0, 17, 1 minus 0, 1, 19, 20 and 7. Okay, note here one point. आप यहाँ पे एक point note कर सकते हो कि आपकी processes यदि सभी process same time पे arrive होती हैं तो उनका arrival, उनका completion time and turnaround time same होगा. अगर आपकी processes सभी process same time पे ready queue में arrive हुई हैं तो उनका क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? यहां पे चेक कर सकते हो आप. क्या होगा? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. और अराइवल टाइम सभी का जीरो है तो सभी का क्या करेंगे? जिस टाइम पे कंप्लीट हुई है वही क्या हो जाएगा आपका? टर्न अराउंड टाइम. क्या हो जाएगा आपका? टर्न अराउंड टाइम. नेक्स्ट वेटिंग टाइम फाइंड आउट कीजिए. वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. 17 माइनस 10 इज 7. 1 minus 1 is 0, 19 minus 2, 17, 20 minus 1, 19, and 7 minus 1, 6 is 1. You get your waiting time for each process. Now find out the average turnaround time and average waiting time. Average turnaround time and average waiting time. Add kar dijiye aur find out kijiye aapka average waiting time and average turnaround time. फाइंड आउट कीजिए. ओके 17 प्लस 1 18, 18 एंड 19 37, 37 एंड 20 57, 57 एंड 7 64, 64 बाय 5. एवरेज वेटिंग टाइम इज 20, 20 प्लस 24, 44, 44 बाय 5. दिस इज योर एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम. नाउ कंप्लीट क्वेश्चन में कोई डाउट? यहां पे आपको इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट नोट करने को मिले. पहला कि यदि आपके अराइवल प्रायोरिटी सेम है तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग को फॉलो करेंगे. और फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग में हमारे पास यदि अराइवल टाइम भी सेम था तो हम लोएस्ट प्रायोरिटी नंबर को शेड्यूल करेंगे. नेक्स्ट यदि आपका अराइवल टाइम सेम है सभी प्रोसेसेस का तो सभी क्या होंगी? रेडी क्यू में सेम टाइम पे अराइव हो रही हैं. अगर आपकी प्रोसेस सेम टाइम पे अराइव हो रही है तो आपका कंप्लीशन टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम भी आपका सेम होगा. कंप्लीशन टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम भी आपका सेम रहेगा. ओके एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को कोई डाउट?